वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बसों के बाद सीएम योगी और प्रियंका गांधी के बीच अब की बार बयान पर छिड़ा घमासान। सीएम योगी ने के प्रवासियों पर बयान को प्रियंका ने बनाया मुद्दा। कोरोना टेस्ट कम कराने और आंकड़े छिपाने का आरोप। प्रियंका ने सीएम योगी के उस बयान पर किया सवाल जिसमें उन्होंने कहा था महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्य से आने वाले 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। प्रियंका गांधी ने किया सवाल। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे हैं, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं? प्रियंका ने सीएम योगी से किए सवाल। यूपी में सिर्फ 6000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण दिखाया जा रहा है। गाजियाबाद दिल्ली की सीमा फिर से सील। डीएम अजय शंकर पांडे ने दिया आदेश, लगा लंबा जाम। प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों में गाजियाबाद में आए ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली से आने जाने वालों के। जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी के लिए पास की जरूरत नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों और मीडिया को भी पहचान पत्र से मिलेगी एंट्री। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला। रेड जोन में खुलेंगे सुबह की सैर के लिए पार्क। रेड जोन में ओला उबर टैक्सी सेवाओं को 2 पैसेंजर के साथ सफर की छूट। ऑटो में एक यात्री कर सकेगा सफर। देश भर में कोरोना की फुल रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6,535 कोरोना मरीज बढ़े। अब तक कोरोना के कुल 1,45,380 मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 4,167 की गई जान। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज। अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। इस समय पूरे देश में 609 लैब कर रहे हैं टेस्टिंग। हर दिन 2 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 300 की गई जान। बिहार के बाढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा। ट्रेन को जगह जगह रोके जाने से भड़का गुस्सा। यात्रियों के मुताबिक कुल्ला से मोतिहारी का लिया था टिकट, पटना से बरौनी दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बिठाया गया। दिल्ली से मोतिहारी आ रहा एक मजदूर परिवार 4 दिन से है ट्रेन में। पहले 30 घंटे का होता था सफर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बंगाल होते हुए आ रही थी ट्रेन। समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर मजदूर की पत्नी ने बच्चे को दिया जन्म। कोरोना संकट के बीच चौकीदार का काम करने वाले नेपाली नागरिक लौट रहे हैं अपने घर। 2 महीने से नहीं था कोई रोजगार। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। कुल 52,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60 की मौत। 1600 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर है गुजरात। 14,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 392 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मरीज। 13,400 से ज्यादा केस एक दिन में। 30 की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले। अब तक 7,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। नए केस के मामले में दुनिया का दूसरे सबसे प्रभावित शहर में से एक बना मुंबई। मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस। 2 दिन के लिए बंद किया गया रेल भवन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 87 पुलिस वाले संक्रमित। 1700 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली के लोगों को सीएम केजरीवाल ने दिलाया भरोसा। कहा कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों के शुरू होने का आज दूसरा दिन। अब प्राइवेट जेट और चार्टर प्लेन को भी इजाजत। आज से आंध्र प्रदेश के लिए हवाई सेवा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होगी विमान सेवा। हवाई सेवाओं के लिए WHO की सलाह, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ी आग। 200 से ज्यादा झुग्गियों और गोदाम में लगी आग। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से बड़ी आग। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। विधायक रामदेव यादव के साथ हाथापाई। मुंबई और गुजरात से आ रहे 2 मजदूरों की मौत के बाद उनकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोच में सफर कर रहे यात्रियों की हो रही है पहचान। जम्मू कश्मीर के मेढर में फंसे प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना। कटरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र से पहली विशेष ट्रेन से 400 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जालौर। स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे घर। अगरतला में कोरोना के 4 नए मामले। 4 महाराष्ट्र के श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लौटे थे घर।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह की तैयारी, पूरे देश में डिजिटल अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संदेश, फेसबुक पर होगा लाइव। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन, हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार। 10 करोड़ घर तक जाएगा प्रधानमंत्री का पत्र, आत्मनिर्भर का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका को लेकर सवाल। पत्र बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल, कंटेनमेंट जोन, क्वारंटीन सेंटर और सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचने की सलाह। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की प्रवासी मजदूर राम पुकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात, 1 लाख रुपए की मदद, नौकरी देने का वादा। 1 साल के बेटे की मौत की खबर सुनकर बेगूसराय के लिए पैदल निकल पड़े थे राम पुकार, 3 दिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अधिकारियों से गुहार लगाने पर मिली मदद। आगरा में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश, पूर्व फौजी की पिटाई का विरोध। हरियाणा के झज्जर में सैनिक सम्मान के साथ शहीद गौरव दत्त की आखिरी विदाई, जहाज में प्रेशर किट फटने से मौत। 3 महीने पहले हुई थी गौरव दत्त की शादी, पूरे गांव में मातम। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद बच्चों संग अयोध्या में अपने गांव पहुंची आशा देवी, दिल्ली से आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आशा देवी को पहले गांव के बाहर 21 दिन के लिए किया गया था क्वारंटीन, कोरोना पीड़ित पति ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में तोड़ा था दम। मुंबई से गोंडा पहुंचे मजदूर ने खुद को किया क्वारंटीन, मचान को बनाया डेरा। ट्रक के आने में 3200 रुपए हुए खर्च, कहा काम नहीं मिला तो फिर जाना पड़ेगा वापस। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक, जुटी भीड़, बिना मास्क के लोगों ने किया डांस। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी की भीषण मार, थपेड़ों ने किया परेशान, कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भीषण गर्मी ने राजस्थान को किया बेहाल, मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से किया सावधान। जैसलमेर में लगातार 3 दिन झुलसाने वाली गर्मी, 45 डिग्री के करीब रहता है पारा। गर्मी का प्रकोप झेल रहा है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में 46 डिग्री तक पहुंचा पारा। मूसलाधार बारिश ने असम को किया बेहाल, सुबह के 4 जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के कोला में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोमवार को 47 डिग्री से ऊपर रहा पारा। ग्वालियर में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। धौलपुर में 2 दिन से लगातार गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, 46.4 डिग्री पर पहुंचा दिन का अधिकतम तापमान। बद्रीनाथ नीलकंठ अब भी तापमान 0 से नीचे, जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। हेमकुंड में पवित्र सरोवर अब भी फ्रीज, लॉकडाउन की वजह से यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं। गाजीपुर जेल से फरार 2 कैदियों को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार, 2 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सहारनपुर में 2 गुटों में संघर्ष, 8 से ज्यादा लोग घायल। देवरिया में शराब पीने से रोकने पर बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद, 1 युवक को लाठियों से पीटा। अकोला में दवाई की दुकान में घुस गए 2 बंदर, 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। चेन्नई में कार और बाइक सवार की टक्कर, हादसे में कार की छत पर पहुंचा बाइक सवार, पुलिस ने पीछा कर रुकवाई कार। बिहार के गोपालगंज में 3 लोग की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे गिरफ्तार। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे भी है नामजद आरोपी, उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती। 3 हत्याओं को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा, हमले में महेश चौधरी पत्नी और 1 बेटे की मौत। मुंबई के भाईखला रानीबाग मैदान में जमा हो गए प्रवासी मजदूर, घर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, 2 लोग घायल। गढ़वा में रेत विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोगों में अनबन, गोलीबारी में 10 घायल। मध्यप्रदेश के रायसेन में किसानों पर दोहरी मार, टिड्डियों की वजह से फसल बर्बाद। मध्यप्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से दहशत, तेज गर्मी हो सकती है वजह, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पटना सिटी में क्वारंटीन सेंटर मिले 2 जहरीले सांप, सेंटर में साफ सफाई नहीं किए जाने की शिकायत। यूपी के शामली में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में 2 युवकों ने बनाया टिकटॉक वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और देशी तमंचा बरामद। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक। लॉकडाउन में शराब तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, 24 कार्टन शराब बरामद। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के मददगार बने शकील कुरैशी, मुफ्त में बांट रहे दवाई। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर, 26 लोगों ने जीती जंग, जिला प्रशासन ने सम्मान के साथ भेजा घर। अरुणाचल के पूर्वी केमांग में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। पटना से पंजाब और राजस्थान के लिए भेजे गए प्रवासी 2 महीने से घर वापसी के लिए थे परेशान। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर से चमकने लगे हीरे, 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ तराशने का काम। हरियाणा के सोनीपत में 72 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मामली कहासुनी में वारदात को दिया गया अंजाम।
दिल्ली में हत्या के प्रयास में शामिल फरार बदमाश परविंदर सहरावत गिरफ्तार, पहले प्रॉपर्टी डीलर का करता था काम। तूफान के बाद बंगाल के कई इलाकों में परेशानी, कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी और उमस में लगातार लेट हो रही है श्रमिक स्पेशल, बूंद बूंद पानी के लिए तरफ रहे यात्री। दिल्ली सटे फरीदाबाद में जिम संचालकों का प्रदर्शन, जिम को खोलने की मांग को लेकर हल्ला बोल। सतना में लोक गीत गाकर खाना तैयार कर रही है गांव की महिलाएं, आदिवासी इलाकों में की जा रही गरीबों की मदद। 99,800 से ज्यादा पहुंची अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, 17 लाख लोग पॉजिटिव। अमेरिका के वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ खेलने पर भड़के लोग, कहा तबाही से निपटने की बजाय छुट्टियां मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील, अब तक 3,63,000 से ज्यादा मरीज। जोरदार तबाही के बावजूद बेफिक्र हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे बोल्सोनारो। फिलहाल ब्राजील से लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी, कोरोना संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।